बिल्कुल ठीक जी आपका पॉइंट आ गया बैरिस्टर भाई मसौता साहब ये क्या हो रहा है आमिर भाई कह रहे हैं कि अच्छा है गन साफ़ हो रहा है तथीर हो रही है आपके अपने शोबे के अंदर ये जो कुछ हो रहा है इस पर आपकी अपनी राय क्या है ये क्या हुआ क्या से क्या हो गया देख देखिए कामरान साहब एक तो मैं सबसे बुनियादी तौर पर डिमांड करूंगा फ्रॉम दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि ये जो इस्तीफे आ रहे हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चले मज़ायर नकवी साहब का तो इस वक्त चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकिन अगर इजाज़ुल उहसन साहब का इस्तीफा आया तो उसका एक वो रुख है जो कि जिस तरह अभी अविराना साहब बता रहे थे बाकी लोगों ने कहा एक दूसरा रुख भी है कि उन्होंने हो सकता है कि वो इस सिचुएशन में नहीं सर्व करना चाह रहे हो मसलन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियार उनका एक डिसग्रीमेंट था विद ऑनरेबल चीफ जस्टिस फिर

हम तो वैसे मफूजा बना रहे थे क्योंकि खिलाफ एक रेफरेंस आने वाला था उसके राय फरार की की या दूसरा यह हो सकता है कि वो सुप्रीम काउंसिल फंक्शनिंग से एग्री नहीं कर रहे थे उन्होंने अपने इस्तीफे में भाई ये दे दें इस्तीफा दे 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 मुझे इधर उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी जी जी तो उन्होंने तो उसमें सिंपल रिजाइन किया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों होनी है इस्तीफा में सर कभी भी ऐसी बातें नहीं लिखी जाती लेकिन ये बहुत गौरतलब बात है कि आदमी जो चीफ जस्टिस टू बी जो चीफ जस्टिस टू बी है उसको अगर रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है तो दैट इज इन्वेस्टिगेट मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन हो उसकी मैं तो ये कह नहीं रहा कि कौन सी बात ठीक है कौन सी बात गलत है ये इतनी सिंपल बात नहीं और साथ साथ जिस तरह आप बता रहे हैं कि और रेफरेंसेस भी आ रहे हैं देखें बात ये कोई भी हो जिसके खिलाफ तो। हो, इल्जाम हो, उसको करना चाहिए उसको अपने करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अगर एक शख्स के इसके ऊपर बहुत आई होंगी सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं वो आज चुके उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस तरह बात आगे बाकी सुप्रीम कोर्ट जिस जजेस बैठे हुए उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन बनेगी जिस तरह की बातें हो रही है अभी टीवी पर सोशल मीडिया में पढ़ रहे जी और भी इस्तीफे आ रहे हैं और ये

उन्होंने वो वो ये अगर आप आग ये मुझे कह रहे हैं कि आज जस्टिस जाजुल एहसन साहब या जस्टिस अली नकवी उस दबाव का पाँच परसेंट भी फेस कर रहे हैं जो काजी फ़ायद ईसा कर रहे थे तो ये गलत बयानी होगी उस बंदे ने जितना उसकी बीवी को जिस तरह जलील किया गया उनको जिस तरह जलील किया गया जिस तरह उनके हार्ड हिटिंग मुकालमे हुए जस्टिस बंदयाल के साथ वो हम सबको पता है उन्होंने रिजाइन नहीं किया उन्होंने फ़ेस किया इनको फेस करना चाहिए था ये हाइएस्ट मॉडल ग्राउंड पर होते हैं जजेस इनको तो इनसे तो हम स्पेक्ट करते हैं टू बी एग्जाम्प्ररी जिस तरह मदर साहब भी कह रहे थे अभी

उनको उसका जवाब भी मिल जाए कि क्यों इस्तीफे आ रहे हैं और क्यों इस्तीफे भट्टी साहब जिस तरह की डिवीजन देखने में आ रही, आ रही रही थी आ अभी भी है शायद बंदयाल साहब की मौजूदगी में आ, ये हम चीफ जस्टिस साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस्तीफे की करनी चाहिए नंबर वन और नंबर टू पोलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है इसकी क्योंकि आपको याद होगा लंडन में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि लेवल प्ले फील्ड तो तब तक नहीं होगी जब तक वो बाजवा साहब का नाम लिया फैज साहब का नाम लिया और जस्टिस ज्यादा एहसन साहब का नाम लेकर कहा कि जब तक इन लोगों का एहतान नहीं होगा तो आज नून के लिए पोलिटिकली बहुत बड़ा माइलेज है आज, इजाज़ साहब रिजाइन करके? देखिए पहली बात तो यह कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बिल्कुल मैं अगर कोई रेफरेंस आ रहा था या अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके इख्तलाफा ज्यादा हो गए थे या जो भी हुआ था उनको सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और नकवी साहब हों या एजाज़ लाइसम साहब हों अगर कुछ कोई भी इल्ज़ाम है तो उसको इस्तीफे से रुकना नहीं चाहिए पहली बात दूसरी बात यह है कि ए, अगर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे महबूब क़ायद के आप रूहानी कुतों को ए, को सामने लाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो पहुँचे हुए बुजुर्ग हो गए हैं कि जिन, जिन का नाम लिया था सारे फारग होते जा रहे हैं और अगर उन आप यह कहना चाहते हैं कि ये उनकी कोई वो है इसमें उनके कोई आ, अमली तौर पे कोई किरदार है तो वो लग नहीं रहा और अगर कोई है नहीं, तो नहीं, मैं कह रहा इससे फायदा फायदा लेकिन तीस तो होगा ना उनके बयानी को और उनको उनको एक तकवीद मिलेगी क्योंकि वो कह रहे थे ना कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है तो वो अदालत की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे थे ना जस्टिस एजाज की तरफ इशारा किया करते थे वो देखिए इसके इस इसके दो देखें ए, अभी सबसे पहले तो जस्टिस नकवी और जस्टिस मैं फिर कह रहा हूं कि एजाजो की तहकीकत होनी चाहिए और पर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है नंबर टू, नंबर टू अब इसके दो पहलू हैं पहला है पैनामा लीक्स पैनामा लीक्स ना कोई जज लाया था ना कोई जर्नैल लाया था पैनामा लीक्स लेकिन और ना कोई किसी ने रोका था कि आप सबूत दें या ना दें ना किसी ने रोका था कि आप पेश हो ना हो लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली सूरत आलिया के पैनामा जीआईटी वाले हों पैनामा जजेस हों मॉनिटरिंग जजेज हों सारे वो सब मुजरम हैं और पैनामा लीक्स वाले जो मुलज़म और मुजरम थे वो सब मासूम हैं एक तो ये पहलू है दूसरा पहलू ये है कि सब कुछ अदालतों में है ए, पिछले डेढ़ दो साल से फॉर एग्ज़ाम्पल असम्बलियाँ सही टूटी या गलत अदालतों में वजीर अजम का फैसला वो भी अदलिया ने किया वजीर का फैसला अदलिया ने किया गवर्नर का मामला अदलिया में आया वजी एतमाद का वोट अदलिया दो सूबों का इलेक्शन अदलिया मरकज में अदलिया, नैब तरामीन प्रोसीजर एक्ट तो लिहाजा लिहाजा ये है कि जब फैसले आएंगे फैसले आएंगे फैसले हक में भी आएंगे है। उसके उसका एक धड़ा सही होगा या गलत होगा और दूसरी बात यह अगर ये आप फर्ज कर लेते मान लेते हैं कि ये थे इमरानदार जजेस तो फिर कुछ शरीफ जजेस भी होंगे इसका मतलब है कुछ शरीफ जजेस भी खैर से होंगे उन शरीफ जजेस का भी करना चाहिए कि ये एक शरीफ